तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी दोस्तों आपके जो भी आपके अल्फाबेट होते हैं दोस्तों, जो आपकी वर्णमाला होती है उसके जो दोस्तों आपके नंबर जो होते हैं दोस्तों, आपकी जो ABCD जो होती है दोस्तों, उनको कैसे जो उनका नंबर जो क्रमांक जो है दोस्तों हम याद रख सकते हैं, और आपका जो उनके जो है दोस्तों अपोजिट होता है वो कैसे याद रख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उसी ट्रिक से दोस्तों आपको बिल्कुल जिंदगी भर दोस्तों वो आप नहीं भूलोगे, जिंदगी भर दोस्तों आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अल्फाबेट में। तो दोस्तों वो ट्रिक क्या है उसी को जो है दोस्तों मैं जो आपके साथ जो है दोस्तों शेयर करूंगा। और इसमें दोस्तों आपको क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन जब पूछेगा दोस्तों, यानी कि अल्फाबेट जो होता है दोस्तों आपका वर्णमाला या फिर जो जिसको इसको कहते हैं आपके कूट भाषा, ये जो होता है दोस्तों इसमें जो है दोस्तों आपको दे देगा, यानी कि दोस्तों आपको बताइए ये जो आपका रमन है, यानी कि ये जो रमन है, रमन का जो है दोस्तों आपका क्रमांक जो है दे देगा दोस्तों आपको कि इसका जो है दोस्तों आपका बताइए कि ये जो आपका 47 है। तो दोस्तों आपसे पूछ लेगा, वो क्या पूछ लेगा दोस्तों कि आपको जो है बताना होगा दोस्तों कि आप बताइए कि आपका सचिन का जो है दोस्तों क्रमांक जो है दोस्तों होगा वो क्या होगा, यानी कि रमन का जो कूट है वो आपका 47 है, और तो बताइए सचिन का जो कूट होगा वो क्या होगा। ऐसे जो है दोस्तों क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक बात जो आपको दिख रही होगी, यानी कि दोस्तों आपका आर जो 18 पर होता है, ए 1 पे, उसके अलावा एम 13 पे, उसके अलावा एक ए जो है 1 पे, उसके अलावा ए जो है 14 पे एन। तो दोस्तों इनको जो काउंट करें दोस्तों, तो 14 1 15 15 13 2800 1 29 18 दोस्तों काउंट करेंगे तो दोस्तों ये जो आपका 47 हो जाएगा। तो ये तो आपको कन्फर्म जो है दोस्तों पता चल रहा है कि इनको जो है दोस्तों इनके जो नंबर्स होते हैं उनको काउंट कर दिया गया है और आपको जोड़ दिया गया है, और हमसे पूछ लिया गया है कि दोस्तों इनका जो है तो ऐसे ही जो है दोस्तों हमको इसका कर दे रहा है, यानी कि दोस्तों आपका एस जो होता है 19 पे, ए 1 पे, सी जो है दोस्तों आपका 3 पे, एच जो है दोस्तों आपका 8 पे, आई जो है दोस्तों आपका 9 पे, और एन जो है दोस्तों आपका 14 पे। अब हमको दोस्तों ऐसे ही जो इनको काउंट कर देना है, यानी कि दोस्तों आपका 19 1 20 3 23 23 8 दोस्तों हो जाएगा 31 और 9 हो जाएगा 40, और 40 और 14 दोस्तों हो जाएगा वो आपका 54 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका जो कूट होगा वो आपका 54 होगा। लेकिन इसके लिए आपको जो क्रमांक होते हैं वो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि यानी कि कौन सा जो आपका पी कितने पे आता है, एक्स जो कितने पे आता है, आपका एल जो कितने पे आता है, एन कितने पे आता है, यानी कि सभी जो है दोस्तों पता होना चाहिए। तो दोस्तों वही ट्रिक मैं आपके सामने जो है दोस्तों शेयर करूंगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या होता है दोस्तों, और भी जो एक टाइप बनती है दोस्तों, वो टाइप क्या होती है, यानी कि दोस्तों आपसे दे देगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपका ये जो आपका रमन है, रमन का कूट जो दोस्तों आपको दे देगा, यानी कि इसका जो है दोस्तों कूट होगा वो होगा आपका, हो सकता है दोस्तों आपका आई जेड एन जेड और आपका एम, यानी कि दोस्तों आपसे दे देगा कि ये जो है इसका कूट है। तो आपसे कोई और जो है दोस्तों पूछ लेगा, यानी कि दोस्तों आपसे वो पूछ ले दोस्तों आपकी बताइए कि मोहन का जो कूट क्या होगा, यानी कि दोस्तों मोहन। तो दोस्तों आपको क्या एक बात दिख रही होगी दोस्तों, ये जो है आर के अपोजिट जो है दोस्तों आपका आई होता है, ए के अपोजिट जो है दोस्तों जेड होता है, एम के अपोजिट एन होता है, ए के अपोजिट जेड होता है, और एन के अपोजिट फिर एम होता है। तो दोस्तों ये ऐसे जो आपको इसके कर देना है, यानी कि इसका जो है दोस्तों आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपका एम के अपोजिट एन हो जाएगा, ओ के अपोजिट एल हो जाएगा, एच के अपोजिट एस हो जाएगा, ए के अपोजिट जेड हो जाएगा, और एन के अपोजिट जो है दोस्तों आपका एम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ऐसे जो है दोस्तों इनको कर देना है, लेकिन इसके लिए आपको जो अपोजिट होती है, अपोजिट साइड होते हैं जो भी दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों उनकी भी ट्रिक बताऊंगा। तो दोस्तों दो ये जो दो दोनों जो हैं दोस्तों बिल्कुल जो है दोस्तों मैं आपको रटाऊंगा नहीं दोस्तों, एक ट्रिक है उसको दोस्तों आपको याद रख लेना है, और दोस्तों आप जिंदगी भर जो है दोस्तों नहीं भूलोगे। तो दोस्तों जब आपकी क्रमांक की बात आती है, यानी कि दोस्तों आपका अल्फाबेट के जो क्रमांक होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो नंबर्स होते हैं वो आपके 26 होते हैं, ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं। तो दोस्तों जब बात आती है कि 5 तक, तो दोस्तों आपको किसी को जो है दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि 5 तक की बात करें, यानी कि ए बी सी और डी और यहाँ तक तो दोस्तों आपकी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि दोस्तों आपको पता हुआ ये जो 5 4 3 और ये 2 और 1 यहाँ तक तो दोस्तों आप सभी को जो है पता होगा, क्योंकि दोस्तों आपके पंजा जो होता है 5 होती है दोस्तों, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आपकी, जैसे ही जो है दोस्तों आपकी बड़ी संख्या, यानी जैसे इसके आगे आते हैं, तो इसके आगे आगे यानी आने के लिए दोस्तों आप जैसे आपको एक शब्द जो है दोस्तों याद रखना होगा, यानी आई एल
यू, यानी कि दोस्तों इसको कहते हैं आई लव यू। और या फिर और इसके और भी जो है दोस्तों आपका यानी आर एस टी, ये जो है दोस्तों आपको सभी दिया है। और उसके अलावा दोस्तों ओ बाई जेड, जैसा कि दोस्तों आपको पता हुआ कि इसका जो है आपको कोड कितना होता है आपका, वो होता है आपका 9 12 21। आर एस टी यानी कि पुरानी रोडवेज बस जो थी उसका दोस्तों क्रमांक जो था वो दोस्तों था आपका उसका नंबर जो था 18 19 20। पुरानी रोडवेज बस का दोस्तों क्रमांक था, इसका नंबर प्लेट थी वो 18 19 20 थी। उसके अलावा दोस्तों ऑक्स यानी कि बैल, याक यानी कि सांड और जेब्रा यानी कि तीनों पशु हैं। और तो ये जो तीनों पशु हैं तो दोस्तों इनका जो आपका वो जो 15 22 25 और जेड जो है दोस्तों 26। अब बात करें दोस्तों हम कुछ और जो है दोस्तों आगे बढ़े, यानी कि दोस्तों आपका ई के बाद जो है दोस्तों आता है आपका ऐप आता है दोस्तों। ऐप यानी कि दोस्तों ऐप फिक्स यानी कि सिक्स, यानी कि दोस्तों आपका ऐप ऐप आई एक्स फिक्स होता है तो आप कर सकते हैं सिक्स। तो दोस्तों ये जो हो गया, उसके अलावा दोस्तों आपका क्या आएगा आपका जी आएगा। तो जी सेवन जो एक टाइम जो है दोस्तों फोन चलाता जो दोस्तों काफी ज्यादा चलाता है यानी कि जी सेवन। उसके अलावा दोस्तों आपकी एच आएगा, एच की दोस्तों आपको पता हुआ हाइट ही इतनी है कि दोस्तों इनको दोनों को मिलाने से 8 बन जाता है, यानी कि एच की दोस्तों आपकी हाइट ही इतनी है कि इन दोनों को दोस्तों मिलाएंगे दोनों कॉर्नर को तो 8 बन जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपका एच हो गया, उसके अलावा दोस्तों आपका आई हो चुका है, उसके अलावा दोस्तों आपका बच्चा जे और के, इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं आप बोल सकते हैं दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर, यानी कि दोस्तों आपका ये जो है दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, यानी कि दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं गोलियां रोज चलती हैं दोस्तों। ये जो हिंट है याद रखने के लिए जो दोस्तों इनसे जो हेल्प होगी यानी कि 10-11। उसके अलावा जो क्या क्या आएगा आपका एल हो चुका है, उसके अलावा दोस्तों आएगा वो आएगा आपका तेरा और मेरा, यानी कि दोस्तों आपका मेरा तेरा। एम जो है दोस्तों होगा यानी कि मेरा तेरा साथ साथ, यानी कि दोस्तों आपका एन जो आएगा दोस्तों आपका मेरा तेरा साथ साथ, साथ साथ कितना होता है दोस्तों आपका 7-7 जो होता है दोस्तों वो आपका 14 होता है। तो दोस्तों एन का जो हो जाएगा वो आपका 14 हो जाएगा, यानी कि तेरा मेरा 7-7। एम जो है एम यानी मेरा तेरा, यानी कि दोस्तों ये तेरा। उसके अलावा मेरा तेरा 7-7, यानी एम जो है एन, एम और एन का दोस्तों आपको पता होगा कितना गहरा संबंध है, यानी कि अपोजिट भी इसी के होगा। उसके अलावा दोस्तों वैसे भी जो है दोस्तों आपके पड़ोसी हैं, तो मेरा तेरा 7-7, यानी कि एन जो हो जाए 14 पे, एम जो है 13 पे। उसके अलावा दोस्तों क्या बचेगा आपका एल, एम एन हो गया दोस्तों। अब बचेगा दोस्तों आपका ओ जो है दोस्तों हो चुका है वो। उसके अलावा दोस्तों आपका इसको जो है दोस्तों मैं हटा देता हूँ। उसके अलावा दोस्तों आपका बचेगा वो बचेगा दोस्तों आपका वो बचेगा दोस्तों आपका पी, यानी कि पी जो है क्या कर सकता है, पी जो है कोई नहीं सकता है, क्योंकि पी नहीं में जो है दोस्तों आपके 16 रुपए खर्च होते हैं, 16 रुपए पी हर कोई नहीं सकता है। उसके अलावा दोस्तों आपका बचेगा जो बचेगा दोस्तों आपका क्यू बचेगा, यानी कि दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे दोस्तों याद रख सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों आपके 17। उसके अलावा दोस्तों पी क्यू आर है हो चुका है, एस हो चुका है, टी हो चुका है, अब बचा है दोस्तों आपका यू हो चुका है, अब बचा है दोस्तों आपके ओ भी आए, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि बेन जो है दोस्तों आपकी 22 रुपए में मिल जाती है, यानी बेन जो है दोस्तों 22 रुपए में आती है। उसके अलावा दोस्तों ओ भी के बाद जो है दोस्तों क्या आएगा, ओ भी के बाद जो है दोस्तों आएगा वो आएगा आपका डब्लू, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं वॉच, वॉच यानी कि दोस्तों घड़ी। तो घड़ी का समय जो है दोस्तों वो आपका 23 आवर्स, यानी कि 23 बज रहे हैं घड़ी में, घड़ी का समय जो है दोस्तों वो आपका 23। उसके अलावा दोस्तों डब्ल्यू के अलावा दोस्तों आएगा वो आएगा आपका एक्स आएगा, यानी कि दोस्तों एक्सरे में जो एक्सरे अगर कोई कराए तो दोस्तों उसमें जो खर्चा आता है वो आपका कितना आता है 24, यानी एक्सरे में 24 रुपये खर्च होते हैं। तो दोस्तों ये जो कुछ ट्रिक है जिनकी मदद से जो आप इनको जो है दोस्तों सिंपली तरीके से जो है दोस्तों ये याद रख सकते हैं बहुत अच्छे से, जो जैसा कि दोस्तों आपको बताया था, यानी कि फिक्स सिक्स, फिक्स यानी कि सिक्स। उसके अलावा दोस्तों आपका जी सेवन जो है फोन एक बार बहुत सक्सेस हुआ था। उसके अलावा आपकी जो है एच, एच की हाइट ही इतनी है कि दोनों को मिलाने के दोनों सुरों को तो दोस्तों आपके 8 बन जाता है। उसके अलावा जे के यानी कि 10-11 जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, अब आपको जो है दोस्तों बताया था। उसके अलावा मेरा 13 7-7, यानी कि दोस्तों मेरा 13 हो गया दोस्तों, इसका जो 13 हो गया 7-7, यानी कि दोस्तों 14 हो गया।
तो दोस्तों उसके अलावा पीनी में जो है दोस्तों 16 रुपए खर्चे होते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों आपके 17 है, बैग जो है दोस्तों आपके 22 में आती है, डब्ल्यू जो है दोस्तों आपके वॉच जो है दोस्तों घड़ी जो है उसका 23 बज रहे हैं, और एक्सरे में दोस्तों खर्चा आता है वो आपका 24 का आता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बहुत सिंपल से जो है दोस्तों आपको बता दिया, अब बता देता हूँ दोस्तों आपकी जो अपोजिट साइड होती है उनको दोस्तों हम कैसे याद रख सकते हैं, यानी कि दोस्तों ये तो दोस्तों हो गया। अब जो है दोस्तों अपोजिट जो होता है कौन किसके अपोजिट होता है, तो दोस्तों मैं वो बता देता हूँ, यानी कि उसके लिए वो उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक है और जानदार ट्रिक है। तो दोस्तों वो ट्रिक क्या है, यानी कि दोस्तों आपको जो है ध्यान रखना होगा कि ये जो आपका इंदिरा नाम का दोस्तों कोई जो स्टेडियम है, यानी कि इंदिरा नाम का स्टेडियम है, और ये जो आपका स्टेडियम जो है दोस्तों इंदिरा नाम का स्टेडियम, इंदिरा नाम का दोस्तों एक स्टेडियम है, कहाँ पर है दोस्तों, तो ये रोड के बगल है, यानी कि दोस्तों आपका ये जीटी रोड के बगल में ही है इंदिरा जो है दोस्तों आपका इंदिरा स्टेडियम जीटी रोड के बगल में ही है दोस्तों। जीटी रोड कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये जो इंडिया में जो है दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, यानी कि दोस्तों आपको थोड़ा अच्छा जो है दोस्तों क्लियर जो है नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों आप जो है एडजस्ट जो है दोस्तों इसको कर लेना, यानी कि दोस्तों आपका जीटी रोड है। उसके अलावा दोस्तों कहाँ पर है, तो वो दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में है, यानी कि दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर दोस्तों आप मान सकते हैं दोस्तों याद रखने के लिए। तो दोस्तों ये जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों इसमें जो है मैच चल रहा है, यानी कि दोस्तों क्या हो रहा है, स्टेडियम है तो दोस्तों क्रिकेट चलेगा, यानी कि दोस्तों इसमें मैच चल रहा है, मैच चल रहा है, तो दोस्तों मैच भी कब चल रहा है, मैच यानी कि दोस्तों आपका आज ही चल रहा है, यानी कि दोस्तों मैच जो है आपका आज चल रहा है, मैच जो है दोस्तों आपका आज चल रहा है, यानी कि दोस्तों आप ये जो है दोस्तों देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैच चल रहा है तो खेल कौन रहा है, तो दोस्तों जब मैच चल रहा है तो लड़के भी खेल रहे हैं, यानी कि दोस्तों मैच चल रहा है तो यानी कि दोस्तों आपका मैच जो चल रहा है, मैच जो खेल रहे हैं, तो दोस्तों एक लड़का खेल रहा है, यानी कि बॉय, एक लड़का जो है दोस्तों आपका खेल रहा है। उसके अलावा दोस्तों ये जो लड़का है वो आपका खेल रहा है, यानी कि लड़का जो है दोस्तों आपका खेल रहा है, तो लड़का जो है दोस्तों आपका काफी जो फुर्ती में आया है, क्योंकि फुर्ती में क्यों आया है कि दोस्तों ये जो आपका दही बड़ा खा के आया है, यानी कि दोस्तों आपका दही बड़ा खाके आया है, दही बड़ा, तो जब दोस्तों ये खाके आया है तो दोस्तों फुर्ती में आया है, फुर्ती में आया है तो आते ही इसने जो दोस्तों एक शॉट लगा दिया, यानी कि दोस्तों आपका आते ही इसने जो दोस्तों आपका सिक्स जो है दोस्तों आपका मार दिया, यानी कि दोस्तों सिक्स, हालांकि दोस्तों ये जो आपका ऐसा ऐसे जो है दोस्तों होता है सिक्स, लेकिन दोस्तों आपको जो है याद रखने के लिए इनको जो है दोस्तों मान लेना, यानी कि दोस्तों आते ही सिक्स मार दिया, और जब भाई सिक्स मारा है तो सभी लोग जो है दोस्तों इसमें देख रहे हैं, यानी कि दोस्तों स्टेडियम में दोस्तों हर लोग जो है दोस्तों हंस भी रहा है, यानी कि दोस्तों सभी लोग जो है मैच देख रहे हैं, तो हर लोग यानी कि एवरी लोग यानी कि दोस्तों आपका हर व्यक्ति जो है दोस्तों आपका हंस रहा है, हर व्यक्ति के साथ साथ इसके फादर और अंकल यानी कि पिताजी और चाचा जी भी जो है दोस्तों उस स्टेडियम में मौजूद हैं, यानी कि फादर और अंकल भी जो है दोस्तों, यानी कि दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति हंस रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ साथ इसके दोस्तों पिताजी और उसके जो है दोस्तों आपका चाचा जी यानी कि अंकल जी वो भी मौजूद हैं, अंकल जी भी जो है दोस्तों आपके मौजूद हैं। तो दोस्तों ये जो हो गया आपका, उसके अलावा दोस्तों क्या हो रहा है कि ये जो है सभी जो है दोस्तों हंस रहे हैं, यानी कि दोस्तों कि वाह क्या गजब जो है दोस्तों शॉट मारा, यानी कि सभी जो है दोस्तों आपके हंस रहे हैं। तो दोस्तों ये तो आपको कुछ याद हो गया, और भी जो है दोस्तों कुछ बचा है, यानी कि दोस्तों स्टेडियम में जो है आपका ये जो है दोस्तों आपका स्टेडियम में जब दोस्तों मैच चल रहा है, आवाज हो रही है, तो दोस्तों इसमें ऐसे में जो है दोस्तों क्या हो जाता है कि कुछ लोगों को दोस्तों आपका लव हो जाता है, यानी कि दोस्तों आपका जो प्यार होता है दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो आपका लव होता है दोस्तों वो हो जाता है। तो लव जो है दोस्तों क्या है कि इसको जो है मान्यता प्राप्त है, यानी कि दोस्तों किसी को यदि स्टेडियम में जो है दोस्तों प्यार होता है तो चलेगा, यानी कि इसको मान्यता जो है दोस्तों आपके प्राप्त है, और अगर दोस्तों अगर जो है आपकी जो है मान्यता जो है इसको दी गई है, यानी कि ये जो लव जो है दोस्तों आपके मान्य है, यानी कि कोई करना चाहे तो एलिजिबल है, सिंपल तरीके से जो कोई कर सकता है, यानी कि दोस्तों ये जो आपका मान्य है, और अगर दोस्तों किसी ने अगर कोई भी जो हरकत की तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों सजा भी जो है वो आपकी कड़ी है, यानी कि दोस्तों जो भी इसके रूल्स है उनका दोस्तों उल्लंघन अगर किसी ने किया तो इसमें सजा भी जो है दोस्तों आपकी कड़ी है, यानी कि दोस्तों आपकी काला पानी की सजा दोस्तों दी जाती है, यानी कि दोस्तों काला पानी,
काला पानी की सजा जो है दोस्तों कितनी खतरनाक होती है आपको पता होगा। यानी कि दोस्तों इसमें किसी ने भी कुछ भी जो है कानून का जो है दोस्तों उल्लंघन किया, जो भी रूल है उनको दोस्तों नहीं माना, तो दोस्तों सजा भी जो है आपको काले पानी की जो है दोस्तों दी जाती है। तो दोस्तों आपको ये जो देख सकते हैं 13 हो गया क्या, यानी कि दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपका 13 जो है दोस्तों बिल्कुल हो चुका है। यानी कि दोस्तों बिल्कुल जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आई के अपोजिट आर होता है, जी के अपोजिट टी होता है, जे के अपोजिट जो है दोस्तों आपका क्यू होता है, ए के अपोजिट जेड होता है, बी के अपोजिट वाई होता है, और डी के अपोजिट डब्ल्यू होता है, और सी के अपोजिट एक्स होता है, ई के अपोजिट वी होता है, और एफ के अपोजिट यू होता है, एच के अपोजिट एस होता है, उसके अलावा एल के अपोजिट ओ होता है, एम के अपोजिट एन होता है, के अपोजिट पी होता है। दोस्तों बिल्कुल जो आपको क्लियर से जो है दोस्तों पता चल गया, बिल्कुल जो है दोस्तों आप जिंदगी भी अगर इसको जो है दोस्तों नहीं भूलेंगे, अगर ये ट्रिक जो है दोस्तों आपने दोबारा रिवीजन कर ली या फिर दोस्तों आपने जो है इसको दिमाग से जो है दोस्तों आपको दिमाग में घुस गई, तो दोस्तों जिंदगी भर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और किसी भी क्वेश्चन को जो है दोस्तों आपको पता होगा सॉल्व करने के लिए, ये जो है दोस्तों उल्टा सीधा क्रमांक जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। एक बात और जो आप ध्यान रख लें, यानी कि दोस्तों ये जो आपके अपोजिट साइड है इनको जब दोस्तों आप काउंट करेंगे तो दोस्तों ये जो आएगा इनका योग जो होगा दोस्तों वो डेफिनेटली आपका 27 ही होगा। यानी किसी को भी दोस्तों जोड़कर देख सकते हैं, यानी के जो होता है दोस्तों वो आपका 11 पे होता है, उसके अलावा पी जो होता है दोस्तों वो आपका 16 पे होता है, तो इन दोनों को जब दोस्तों काउंट करेंगे तो दोस्तों 27 आएगा। उसके अलावा दोस्तों ये जो होता है आपका 1 पे होता है, जेड होता है आपका 26 पे, तो इनको काउंट करेंगे तो दोस्तों आपका 27 आएगा। उसके अलावा आई जो होता है दोस्तों वो आपका 9 पे होता है, आर जो होता है दोस्तों वो आपका आर जो है दोस्तों होता है वो होता है आपका 18 पे, इन जो इन दोनों को जब दोस्तों आप काउंट करेंगे तो तब भी जो है दोस्तों आपका 27 ही आएगा। तो इनका योग भी जो योग के अकॉर्डिंग भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं, यानी कि इसका योग जो होगा वो आपका 27 ही होगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप बिल्कुल जो है दोस्तों पता चल गया हुआ और आपको जो है दोस्तों बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसका क्रमांक जो है दोस्तों आपको याद रखने में। तो दोस्तों अब जो हमारी जो क्लास रहेगी वो इनके जो क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन जो दोस्तों होते हैं उनको जो है दोस्तों मैं सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं उसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।